आहे असं पूनम पांडे हिनं सोशल मीडियावरती पोस्ट करून आता सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. हा एक पब्लिसिटी स्टंट असल्याचं सुद्धा बोललं जात आहे. पूनम पांडेच्या निधनाचं वृत्त खोटं असल्याचं आता समोर आलेलं आहे. I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.punampandeisalive.com. Unfortunately, I cannot say that about... तर सर्व्हिकल कॅन्सरच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी हा व्हिडिओ आपण अशी पोस्ट केली होती असं स्वतः पूनम पांडे हिनं आता समोर येऊन सांगितलेलं आहे. त्यामुळे पूनम पांडे हिच्या निधनाचं वृत्त खोटं आहे. आज स्वतः तिनं हा फोटो हा व्हिडिओ जारी करून आपण जिवंत आहे आणि कॅन्सर संदर्भामध्ये अवेअरनेस वाढावा, जनजागृती वाढावी यासाठी आपण हा स्टंट केल्याचं तिनं सांगितलेलं आहे. रवी जैन आपले प्रतिनिधी या संदर्भातले अपडेट देतील. रवी जी बिल्कुल, पूनम पांडे की मौत की खबर जब कल आई थी तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे कैसे, जब तीन चार दिन पहले वो मुंबई में एक इवेंट पे स्पॉट हुई थी और रोहित वर्मा, डिजाइनर रोहित वर्मा ने मुझे बताया था कि दो दिन पहले उन्होंने उसके साथ बॉम्बे में शूट किया, तब उन्हें कहीं नहीं लगा कि उन्हें सर्विकल कैंसर है या किसी तरह से वो बीमार है. तो उसके बाद ये समझ में आया कि 4 तारीख को विश्व कैंसर दिवस है और उन्होंने जो पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर उसमें लिखा था कि उनकी टीम में से किसी ने अपडेट किया था जिसमें लिखा था कि सर्विकल कैंसर से उनकी डेथ हो गई है. तो तब यह कयास लगाया जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई तो एक स्टंट है कैंसर प्रमोशन, कैंसर के लिए अवेयरनेस को लेकर किसी तरह से उन्होंने ये पूरा अपनी मौत का स्वांग रचा है. और मैं ये भी बता दूं कि कल से ही ये चर्चा भी हो रही थी कि आज 12 बजे के करीब कोई ऐसा खुलासा होने वाला है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था. लेकिन मुझे ये बात पता चली थी कि 12 बजे आज खुलासा हो सकता है और लगभग 12 बजे के आसपास ही एक इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज आता है, एक वीडियो आता है जिसमें वो कहती है कि सर्विकल कैंसर से मेरी मौत नहीं हुई, लेकिन इस देश में ऐसी कई महिलाएं हैं, कई लोग हैं जिनकी मौत हो जाती है और हमें सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि हम सही समय पर टेस्ट कराएं, इलाज कराएं, तो लोगों, कितने लाखों लोगों की जान बच सकती है. गौर करने वाली बात यह है कि पूनम पांडे ने अपने इस वीडियो में एक लिंक भी, एक उन्होंने एक वेबसाइट का एड्रेस भी साझा किया है जिसमें वेबसाइट के एड्रेस में पूनम पांडे alive.com लिखा हुआ है. यानी कि ये उनका ही कोई वेंचर है जिसे वो प्रमोट करना चाह रही थी और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने एक नाटक स्टंट रचा, एक स्टंट केलेला आहे. रवीस धन्यवाद दिलेल्या या संपूर्ण माहितीबद्दल. तर पूनम पांडेनं हा व्हिडिओ जारी करत आपण कालची जी पोस्ट केलेली होती ती सर्व्हिकल कॅन्सरच्या संदर्भात जनजागृती वाढावी यासाठी केली असल्याचं स्पष्ट केलंय. आता बघूयात.